अच्छा, एक आखिरी सवाल मैंने कहा आपसे पूछूं कि ये मैं एक चैनल और सुनता हूँ, गैब्रियल सईद का, तो इंग्लिश का से चैनल है उसका, बाइबल एंड कुरान वाला। तो उसमें वो काफी डिस्कशन होती है कि मैन्युस्क्रिप्ट, कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैंने सुना तो है लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आई कि सबसे पुराना अभी तक जो हमें मिला है कुरानिक मैनुस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल, तो वो डेट बैक तकरीबन कितने एडी में उसको होता है, ये जरा बता दें। देखें, जो सबसे पुराने डिस्कवर हुए हैं वो तो हजरत मोहम्मद से भी पहले निकल आते हैं। क्यों? उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है। वो रीजन ये है कि जिस भेड़ की खाल पे जो सबसे पुराना सना मैनुस्क्रिप्ट या बर्मिंगम मैनुस्क्रिप्ट, ये पुराने हैं सबसे ज्यादा, वो लिखे गए थे, वो भेड़ या हिरन हजरत मोहम्मद से भी 100 साल पहले मर चुका था। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए मुसलमान जब ये कहते हैं ना कि हजरत मोहम्मद के वक्त का कुरान था, तो यार वो हजरत मोहम्मद के वक्त का नहीं था, उससे पहले का था। तो फिर इसलिए उससे ना कुरान की कोई हेल्प नहीं होती कि कुरान किस टाइम का था। क्योंकि एक बात है कि अगर एक चीज पिछले 2000 साल से सर्वाइव करती आ रही है, तो मैं फिर ये क्यों मानूं कि वो 1400 साल पहले ही उस पर लिखा गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पर आज से 1000 साल पहले लिखा गया हो। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, दे डोंट हेल्प द इस्लामिक नैरेटिव, क्योंकि राइटिंग की या इंक की डेटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, डेटिंग हो सकती है पार्चमेंट की। जब पार्चमेंट की डेटिंग की जाती है तो हजरत मोहम्मद से भी 100-150 साल पीछे चली जाती है, और जब वो 100-150 साल हजरत मोहम्मद से पीछे जा सकती है, तो अगर आज तक वो सलामत है, तो इसका मतलब है हजरत मोहम्मद के दौर में भी वो सलामत होगी, और हजरत मोहम्मद के दौर से 200 साल बाद भी वो सलामत होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हजरत मोहम्मद के अच्छा आने से 200 साल बाद उसने उसके ऊपर किसी ने कुरान लिखा हो। ठीक है, तो इसलिए ये साबित करना नामुमकिन है बर्मिंगम कुरान से या सना मैनुस्क्रिप्ट से कि जी ये हजरत मोहम्मद के दौर में लिखे गए। इंटायरली पॉसिबल है कि उससे बाद भी लिखे गए, और इवन के इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि उससे पहले भी लिखे गए। मगर हमें एक बात जानते हैं कि कुरान की जो सबसे अर्लियर इंसिडेंस है, जो हमें पता चलती है, जो वाइड स्प्रेड है, जिसको डेट किया जा सकता है, वो है रॉक इंस्क्रिप्शंस, जिसमें कुरान की आयतें हमें मुख्तलिफ जगहों पर अरेबियन पेनिनसुला में या फिर नॉर्दर्न अरेबिया में, जॉर्डन वाला एरिया, सीरिया वाला एरिया, इवन के इसराइल वाला एरिया, वहां पे रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब्ड हमें कुरान की आयतें जो दिखाई देनी शुरू होती हैं, वो तकरीबन 690 से लेकर 710 के दरमियान पहली बार दिखाई देती हैं। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये जो कुरान के मैनुस्क्रिप्ट हैं, बर्मिंगम मैनुस्क्रिप्ट और सना मैनुस्क्रिप्ट और दूसरे मैनुस्क्रिप्ट, ये भी इसी टाइम के रहे होंगे, उससे पीछे के नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिनोमेना हमें नजर आ रहा है, और उस फिनोमेना को हम ये जानते हैं कि वो किसी प्रोपेगेंडा का या किसी और चीज का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पब्लिक में हमें पॉपुलरली कुरान की वर्सेस दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ गए आप? तो ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो हजरत उमर वाला वाकया बताया जाता है, हमें मौलवी साहबान बताते हैं कि वो उनके इस्लाम कबूल करने का, कि वो अपनी बहन के घर गए तो वो कुरान शरीफ को की तिलावत कर रही थी। तो इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा रिटर्न चीज नहीं थी उनके पास, वो अपने उससे कर रहे होंगे जाहिर से, अपने नहीं, मसला ये है कि उस रिवायत पर ट्रस्ट नहीं किया जा याददाश्त। सकता, वैसा हुआ होगा। प्रॉब्लम ये है कि इस रिवायत पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि उमर वाकई अपनी बहन के घर गया और वो कुरान का पर्चा था उनके पास और वो उसे देख के पढ़ रहे थे, और उमर ने पढ़ा और उमर रोना शुरू हो गया। इस बात को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये मुसलमानों की कहानी है। ये कहानी कब लिखी गई? जाहिर बात है, ये हदीसें और ये रिवायतें हजरत मोहम्मद से कोई 200-250 साल बाद लिखी गई हैं। 200-250 साल में तो कोई, इतने लोग हैं उनमें से कोई भी ये कहानी झूठी इन्वेंट कर सकता है, और बाकी लोग बगैर जाने हुए उसे आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने का 200 साल बाद कोई तरीका नहीं है कि वाकई उमर ने ऐसा किया था। उमर कब का मर गया, उसकी बहन कब की मर गई, थी भी कि पता नहीं, कोई नहीं थी, उमर खुद था कि नहीं था, हम नहीं जानते। ठीक है, सही, मेन प्रॉब्लम ये है कि फिर इन इतने अरसे बाद आप इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकते, और किसी भी सूरत इस बात को एम्फसाइज नहीं कर सकते कि ये सच्ची है। ठीक है, तो फिर एंड रिजल्ट ये निकलता है, हम उस एविडेंस को सच मान सकते हैं जिसका हमारे पास, जिसको मानने की हमारे पास एक सॉलिड रीजन है, वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें बता रहा है
इराक इंस्क्रिप्शंस कुरान वाली 690 से लेके 710 के दरमियान में पहली डेट होती हैं, और फिर उससे अगली सदी में हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद कुरान मिलना शुरू होता है। कुरान की ज्यादातर रॉक इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिलती हैं वो कब की हैं? वो 8वीं सदी के लास्ट क्वार्टर की हैं, यानी 775 के बाद की हैं ज्यादातर, और फिर हमें नवीं सदी में यानी 800 समथिंग में हमें प्योरली कुरान का एविडेंस मिलना शुरू होता है कि कुरान एग्जिस्ट करता था, और फिर उसी नवीं सदी के मिड में जाके हमें हदीस लिटरेचर और सीरा लिटरेचर मिलना शुरू होता है, ठीक है। और फिर हम ये मान सकते हैं कि कुरान अपनी सॉलिड फॉर्म में उस टाइम मौजूद था, और जो हमें कुरान का एविडेंस मिल रहा होता है जो कि हमें 8वीं सदी में मिलता है यानी 700 समथिंग्स के अंदर, वो भी हमें किसी सॉलिड कुरान की तरफ इशारा नहीं देता कि जी वाकई कुरान को बुक की फॉर्म में मौजूद था। फिर हमें और बहुत से राइटर्स हैं, क्रिश्चियन जूस और लोग जिन्होंने लिखा हुआ है मुसलमानों के रिलीजन के बारे में, जब वो कुरान के बारे में बात करते हैं तो वो कुरान की बात और करते हैं, सूरह बकरा की बात और करते हैं, सूरह निसा की बात और करते हैं, और वो कुछ ऐसी सूरतों के नाम लेते हैं जो कि आज कुरान में शामिल नहीं है। जैसे एक सिंपल बात है कि सूरह जमल के नाम की एक सूरत का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है कंटेम्पररी राइटर्स में जो कि 8वीं सदी की है, यानी 750 के आसपास, जब जॉन ऑफ डमास्कस और ये सारे लोग जब मुसलमानों से बहस मुबहसे में मसरूफ थे तो ये किताबें लिख रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, और ये कहते थे कि फलां चीज कुरान में लिखी हुई है, फलां चीज सूरह बकरा में लिखी है, फलां चीज सूरह निसा में लिखी है, और फलां चीज सूरह जमल में लिखी हुई है, यानी चैप्टर ऑफ कैमल में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि वो सूरह जमल किधर गई, ये बात सही। हाँ अच्छा जी, बस आखिरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सिर्फ ये आपका जो दूसरा चैनल है गालिब कमाल वीलॉग्स, उस पे आप जो है ना थोड़ा सा जरा ज्यादा तवज्जो दे, जो मोनोलॉग्स है ना वो लोगों को ज्यादा समझ आते हैं, तो मेरे जैसे लोग जो आपको अब सुनना शुरू किया है अभी 5-6 महीने से, तो वो उसमें जो है ना, या जैसे अब लाइव स्ट्रीम में तो बाज दफा बहुत बैसा बैसी भी हो जाती है, लोग बड़े गलत तरीके से भी बात करते हैं। अब जैसे अब मैं मुसलमान हूँ और आप जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम एक डिस्कशन कर रहे हैं एक इंसानी तरीके से, तो वो बाज लोग इधर आके बहुत बदतमीजी करते हैं, तो वो कोई अच्छा नहीं लगता। तो वी लॉग्स आपके जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, तो उन पे थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप कंसेंट्रेट करें, खासतौर पर इस्लामिक हिस्ट्री और कुरान के बारे में। तो बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, फिर आपसे बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।